हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो अगरतला, फिलहाल मैं अगरतला में हूँ। अगरतला का जो वीडियो है आप लोग ने देखा है, फर्स्ट वीडियो, ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। तो आज मतलब मैं एक रात बीत चुका हूँ अगरतला में। तो आज अगरतला में मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है 12 बजे। तो घर पे तो कल जाना पड़ेगा, तो इसीलिए आज रहेंगे तो अगरतला थोड़ा घूमेंगे। और अगरतला का जो फेमस जो जगह है निर्महल, वो देखने के लिए हम लोग आया गए यहाँ पे। तो बहुत दूर है अगरतला से, ये निर्महल का जो जगह है बहुत दूर है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे ना, तो चलते शुरू करते ये निर्महल का वीडियो। तो दोस्तों, ये जो निर्महल जो देखने के लिए, तो हम लोग पानी से लीक होकर जाना पड़ेगा। वो तो पानी का बीच में है। तो हम लोग ने टिकट किया 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ हम लोग ने किया है वो बोट से जाने के लिए, आने जाने का। तो आप लोग भी जब आओगे तो टिकट ऐसे ही करना पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और मेरा वीडियो, मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आराम पूरा देखिएगा वीडियो पूरा लास्ट तक मैं दिखाऊंगा। तो हम लोग पूरा निर्महल जाएंगे, देखेंगे वो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, फिलहाल हम लोग बोट में बैठ चुके हैं। बोट जो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह जगह से आए हैं। तो मैं असम से गया हूँ और यहाँ पे स्टेट का भी बहुत सारे लोग हैं। तो फिलहाल हम लोग वहाँ पे, यहाँ पे आने के लिए, जो निर्महल जो आने के लिए अगरतला से, यहाँ पे जो जगह है मेलाघर आना पड़ता है। तो उस मेलाघर आने के लिए अगरतला से बस और ये ट्रेकर मिलता है। ट्रेकर मतलब मैक्स वो सुमो मिलता है, बहुत टाइम लगता है। हम लोग को मिला है 2-2.5 घंटा मिला है, लगा है यहाँ पे आने में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर निर्मल देखना है तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आने से आप लोगों को आराम से देख पाओगे। हम लोग तो लेट से आ चुके हैं, अभी हम 4 बज चुके हैं अभी। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, गर्मी का सीज़न है, इतना जल्दी रात नहीं होते, शाम नहीं होते हैं। तो हम लोग 4 बजे पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोग पानी से जाएंगे लेक होके निर्मल। तो ज़बरदस्त पानी भी नीट एंड क्लीन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं निर्महल का जो अंदर का जो है वो भी मैं दिखाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो पे बने रहना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी, और किसी ने लाइक, मतलब जो जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी फ़िलहाल मज़ा लेते हैं निर्महल का। Do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises, we got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back.
पे बने रहना दोस्तों, कोई कोई लोग है देख के जा रहे हैं घूम के, और हम लोग फिर आ रहे हैं, लेकिन घूमने के लिए फिर सिर्फ 40 मिनट्स दिए हैं। 40 मिनट्स के अंदर हम लोग घूमना है, तो थोड़ा कुछ खाते हैं, थोड़ा अनारस फनारस खाते हैं, थोड़ा पाइन एप्पल थोड़ा खाते हैं। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी टिकट करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे आके अंदर घूमने के लिए टिकट भी करना पड़ता है। तो वाओ क्या बात है, वाह बड़े ये शुरू है, उसमें से हम लोग टिकट करना पड़ता है। तो अंदर पे भी चेकिंग होता है टिकट का, तो फिलहाल अभी हम लोग अंदर पे गए। वाओ क्या बात है, क्या नज़रिया है, वाओ बहुत ज़बरदस्त। तो उसके बाद चलो देखते हैं, आप लोग भी पूरा बने रहना दोस्तों, वीडियो पे बने रहना। वाओ क्या बात है, अंदर में अंदर का जो जो है वाओ दिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल चलते, ये पाल ट्री है लेकिन देखने में सुपारी का पेड़ का जैसा है, और जो जो यहाँ पे ये रेड कलर का भी है, ये पूरा जैसे सुपारी का जैसा है, लेकिन यहाँ पे ये आप लोग तोड़ भी नहीं पाओगे यार। मतलब देखने के लिए सुंदर ये निकली रखा है, इसने फ़ोटो शोटो मार दिया, कोई बात नहीं है, ये आके फ़ोटो शोटो दे दिया। ये देखिए अंदर का, तो चलिए देखो आराम से।
देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा ये राजा का जो है, पहला जो राजा ने उसका जो ये घर है पूरा अंदर, पूरा आप सभी को मैं वहाँ पर पूरा अंदर पे जाके बहुत नीट एंड क्लीन करके रखा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, क्या क्या तब था वो, और यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है। तो इतना अंदर पे मतलब जहाँ पे जाओगे एक रास्ता मिलता है, मतलब बुलबुले का जैसा है, इधर भी एक रास्ता उधर भी एक रास्ता, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इधर से जाओ तो और एक जगह मिलता है, उधर से जाओ तो और एक जगह मिलता है, मतलब ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त एक तरीक़े से बने हैं। देखिए कितना सारा मतलब वो है। तो यहाँ इस जो जो महल है इसमें टोटल 28 रूम है, रूम से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे भी ये सीढ़ी होके हम लोग देखते ऊपर में भी थोड़ा क्या है। ये देखिए ये बहुत पुराना ज़माने का सीढ़ी, ये सीढ़ी जो है बना है, ये अभी अभी का नहीं है, बहुत पुराना ज़माने में कैसे बना है पता नहीं, हम लोग का तब का टाइम पे बनाया है। तो ये देखिए ऊपर का जो नज़ारा है, ज़बरदस्त नज़ारा है। तो ये जो राजा है ये लेक में आके ये महल बनाया है। उस टाइम पे ये जो महल है, ये महल का पूरा बजट था 10 लाख बजट थे, 10 लाख खर्चा करके ये बनाया है। और ये 8 साल लग चुका था बनने में। तो 1930 में ये बनाना शुरू हो चुका है और 1938 में ये बनके कंप्लीट हो चुका है। और ये बनके जो जितना बजट लगा है वो 10 लाख का 10 लाख ही है, 10 लाख लगा है। तो अभी फ़िलहाल देखिए अभी तो 10 लाख का कितना जाएगा, कितना पैसा होगा इस अभी का टाइम पे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग घूम के फिर के सब आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। ये निर्मोहर का, तो फिलहाल यहाँ पे निर्मोहर का कुछ ये कुछ कैसे बना है, क्या नहीं है, कैसे हुआ, ये सब इसमें लिखा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे त्रिपुरा निर्मोहर जो है, त्रिपुरा अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट का टूरिस्ट प्लेस है। फिलहाल हम लोग घूम के ख़त्म हो चुका है निर्मोहर, अभी हम लोग जाएंगे बोट होके। तो कैसा लगा आप लोगों को निर्मोहर दिखाया मैंने, अगरतला में आके, वो कहा आसाम कहा अगरतला आके मैं आप सभी को निर्मोहर दिखाया। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, और अगर अच्छा हुआ तो कभी फिर मिलेंगे निर्मोहर में। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।